गाइस, क्या आप जानते हैं कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए मुफ्त में बिजली पहुंचाने का एक तरीका इजाद किया था, लेकिन शक्तिशाली नेताओं और व्यापारियों द्वारा इस रहस्यमय तरीके को नष्ट कर दिया गया था। उनका आविष्कार पूरी दुनिया को मुफ्त में बिजली की आपूर्ति करवा सकता था, परंतु कुछ भ्रष्ट नेताओं और सिर्फ अपना बिजनेस का फायदा देखने वाले व्यापारियों की वजह से आज हम इस बड़े बदलाव का हिस्सा नहीं बन पाए। गाइस, अगर निकोला टेस्ला का ये आइडिया आज हमारे बीच होता तो किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होता, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मार्क जकरबर्ग 28 अक्टूबर को होने वाली अपनी सालाना मीटिंग में फेसबुक का नाम बदल सकते हैं। अब उसके पीछे का कारण क्या है, मैं आपको बताता हूं। कारण यह है कि फेसबुक अब सिर्फ सोशल मीडिया कंपनी नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर के बिजनेस में भी जा रही है। फेसबुक ने चश्मा बनाने वाली कंपनी रेबेन के साथ भी एआर ग्लासेस, यानी कि स्मार्ट ग्लासेस जो कि फोन की तरह यूज होंगे, उसके लिए पार्टनरशिप भी की है। इस वजह से हो सकता है कि फेसबुक अपना नाम बदल लेगी। गाइज, आपके हिसाब से फेसबुक का नाम क्या होना चाहिए, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे गाइस, एक मजेदार सा किस्सा सुनाता हूँ। ये बात है सन 1909 की, जब कनाडा ने पहली बार अपने एक शहर में एम्बुलेंस को लॉन्च किया ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। लेकिन हुआ उसका कुछ उल्टा ही। वही एम्बुलेंस शहर में टेस्ट ड्राइव के दौरान एक बंदे पे चढ़ गई और वो बंदा बुरी तरह से घायल हो गया। और मजे की बात यह है कि वो पहला बंदा था जिसे उस एम्बुलेंस ने हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। ये अजीब सा किस्सा आपको कैसे लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, ये तो आपको पता ही है कि प्लेन्स बहुत ज्यादा भारी होते हैं। इनफैक्ट बोइंग 737 तो 80,000 केजी का होता है, और जब वो लैंड करते हैं तो उनकी स्पीड 250 से 300 किलोमीटर पर आर होती है। पर आपने क्या कभी इमेजिन किया है कि इतनी स्पीड और इतने भार के साथ जब वो लैंड करते हैं तो उनके टायर्स कभी फटते क्यों नहीं है? मैं आपको बताता हूँ। उनके टायर्स में रबड़ के साथ साथ एल्यूमिनियम और स्टील को भी मिक्स किया जाता है, और नॉर्मल कारों के टायर के अंदर जो प्रेशर से हवा भरी जाती है उससे 6 गुना ज्यादा प्रेशर से एरोप्लेन के टायर में नाइट्रोजन को भरा जाता है ताकि वो प्रेशर को सहन कर सके। क्या आपको इससे पहले तक ये फैक्ट पता था? नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक बायो में गिवन है। ट्यूशन फीस के चक्कर में बहुत से बच्चे पढ़ नहीं पाते, और गरीबी की वजह से कई बच्चे कचरा उठाने पर मजबूर हैं। पर असम गुवाहाटी के पामोही गांव में अक्सर नाम का एक स्कूल है जहां पर ट्यूशन फीस के बदले प्लास्टिक का कचरा लिया जाता है, जिससे गरीब बच्चे पढ़ भी पाते हैं और प्लास्टिक के कचरे की सफाई के साथ साथ इस कचरे का इस्तेमाल करके इको ब्रिक्स बनाई जाती हैं। यह स्कूल प्रमिता शर्मा नाम की एक महिला ने शुरू किया था, बाद में इसे ग्रीन स्कूल के नाम से भी जाना जाने लगा। गाइस, आपको प्रमिता शर्मा जी का ये आइडिया कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।